ये तस्वीरें देश के दूसरे सबसे बड़े सोलर पार्क की है। यहाँ जिस ओर नजर डाली जाए सोलर पैनल ही दिखते हैं। 13,000 एकड़ में फैले इस पार्क की क्षमता 2050 मेगावाट है। अपनी क्षमता की वजह से इसे शक्ति स्थल भी कहते हैं। शक्ति स्थल बेंगलुरु से 160 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी इलाका पावागढ़ में बना हुआ है। 28 साल पहले किसानों से जमीन लेकर इस पार्क को बनाया गया था। पार्क बनाने के लिए अपनी जमीन देने वाले कई किसान खुश नहीं हैं। नम जमीन वाले करंट ऊर्जा कंपनियां हमारी जमीनों पर बिजली पैदा करती है और उसे कहीं और भेज देती है। हमें बिजली की सप्लाई नहीं मिलती, यह हमारी सबसे बड़ी समस्या है। शक्ति स्थल सीधे बिजली के ग्रिड से जुड़ा है, लेकिन इसके आसपास के गांवों में 8 से 10 घंटे की बिजली कटौती होती है। शाम में 6 बजे से 8:30 बजे तक हमारे यहाँ बिजली नहीं रहती। बारिश की हल्की फुहार भी हो तो बिजली चली जाती है। बच्चों को पढ़ने में काफी दिक्कत होती है। पावागढ़ के ऊपर सूरज ने हमेशा अपना रौद्र रूप दिखाया है। इस वजह से गर्मियों में यहाँ का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। मॉनसून में यहाँ औसतम 600 मिलीमीटर बारिश होती है, जो कि किसानों की ज़रूरतों के लिए काफ़ी नहीं है। इन वजहों से गांव वाले सोलर पार्क के लिए काफ़ी उत्साहित थे। कुछ लोगों को इसका लाभ भी मिला है। सोलर पार्क बनने के बाद ग्रामीणों को फायदा हुआ है। अब किसानों को कठिन परिश्रम नहीं करना पड़ता। जिन्होंने पार्क के लिए किराए पर अपनी जमीन दी है उन्हें पैसा मिल रहा है। इन सब पैसों से वे बढ़िया घर बना रहे हैं, वे विकास कर रहे हैं और अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हमारे किसान सोलर पार्क को लेकर काफी उत्साहित थे, लेकिन जिस तरह का उत्साह पार्क को लेकर था, किसानों ने कंपनियों के साथ एग्रीमेंट करने में वह उत्साह नहीं दिखाया। ये नहीं ला। इसी इलाके के किसान महेश जैविक खेती करते हैं। खेती की तमाम चुनौतियों के बावजूद उन्होंने पार्क के लिए अपनी जमीन देने से इनकार कर दिया। टाइम ऑफ एग्रीमेंट के दौरान लोगों ने बिजली की दिक्कतों की बात नहीं की। लोग इसके बारे में नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने इसकी बात नहीं की। किसान अपनी ज़मीन पर बिजली पैदा कर रहे हैं, इसलिए कम से कम उन्हें तो बिजली मिलनी चाहिए। खेती के लिए बिजली भले ही ना मिले, लेकिन गांव के उपयोग के लिए मिलना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर हम आम के पेड़ उगाते हैं, उस स्थान को लोग 1 साल के लिए किराए पर लेने आ जाएंगे। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि मुझे उस ज़मीन का आम नहीं देंगे। किरायनामा बनाते समय ही हम इस बात की चर्चा कर लेंगे, उसी समय हम बात कर लेंगे कि इतना आम हमें अपने लिए चाहिए। एग्रीमेंट में इस बात का जिक्र होना चाहिए। सोलर कंपनी के साथ किसानों ने इस तरह का एग्रीमेंट नहीं किया। जब सोलर प्रोजेक्ट लगना शुरू हुआ था, उस समय 3 साल से बारिश की कमी की वजह से फसलों का नुकसान हो रहा था। इस वजह से किसान इस प्रोजेक्ट के लिए ललायित थे। वे बैंक और महाजनों के कर्ज के तले दबे थे, तो उस समय उन्हें जो भी ऑफर मिला वे तैयार हो गए। सौर ऊर्जा उत्पादन वाले इलाकों का वही हाल हो रहा है जो कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्र वाले इलाकों में हुआ। सिंगरौली वेयर आई वर्क फॉर सिंगरौली में मैंने 15 साल काम किया है। यहाँ देश का 10% कोयला आधारित ऊर्जा का उत्पादन होता है। यहाँ के गांव में बिजली की पहुँच नहीं है। सौर ऊर्जा के साथ भी यही कहानी दोहराई जा रही है। पावागढ़ के गांवों में बिजली नहीं है, पर यहाँ से दूसरे स्थानों के लिए बिजली बनाई जा रही है। कर्नाटक के दूसरे हिस्सों में भी ऐसा देखा गया है जहाँ पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है। यदि बिजली का उत्पादन करने वाले गाँवों में बिजली वितरित की जाती है तो ग्रामीण इन प्रणालियों को खुले मन से स्वीकारते हैं, लेकिन गांवों में बनी बिजली शहरों या ग्रिड में जाती है। यह एक असमान वितरण है। यह देखना जरूरी है कि बिजली अगर शहर जा रही है तो झुग्गी में जा रही है या मॉल को मिल रही है, या बिजली किसानों को मिल रही है या फैक्ट्रियों में भेजी जा रही है।
हम लोग अधिक से अधिक ऊर्जा उत्पादन की बात करते हैं, लेकिन यह ऊर्जा कहाँ जा रही है इसकी बात नहीं होती। ये समस्याएं हैं और इनमें से किसी भी समस्या का समाधान यहाँ नहीं खोजा गया है। Problems are being addressed here.